भारत में एक ही दिन में 10 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बम होने की फर्जी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई, जिससे देश के कई हवाई अड्डों पर आपात स्थिति पैदा हो गई। जयपुर सहित विभिन्न शहरों में इन विमानों की आपात लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे हजारों यात्रियों को भारी असुविधा हुई। हालांकि किसी भी विमान में विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, लेकिन इस घटना ने पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी। टीवी चैनलों पर इन घटनाओं के लाइव प्रसारण ने आम जनता को दहशत में डाल दिया। यह पहली बार नहीं है जब देश में ऐसी फर्जी सूचनाओं से आतंक फैलाने की कोशिश की गई हो। कुछ ही दिन पहले दिल्ली और जयपुर सहित कई महानगरों में स्कूलों में बम होने की सूचना दी गई, जिसके बाद लाखों अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचे। हालांकि किसी भी स्कूल में बम नहीं मिला, लेकिन यह घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा लगती है। इसके अलावा रेल पटरियों पर गैस सिलेंडर और अन्य अवरोध रखने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, जो रेल सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। भले ही ये घटनाएं फर्जी साबित हुई हो, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि देश विरोधी ताकतें सक्रिय है और वे भारत को अस्थिर करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और उनके प्रयासों की वजह से देश में आतंकी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगी है, लेकिन अब देश विरोधी ताकतों ने फर्जी सूचनाओं के माध्यम से दहशत फैलाने का नया तरीका अपनाया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल कर यह ताकतें अफवाहें फैला रही है, जिससे संबंधित संस्थानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हवाई अड्डों और स्कूलों की सुरक्षा जांच में समय और संसाधन लगते हैं, जिससे देश को आर्थिक नुकसान भी होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भारत आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तब देश विरोधी ताकतें इसे पीछे धकेलने के प्रयास कर रही है। 15 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें सम्मेलन में कहा कि आज भारत मोबाइल फोन के निर्माण में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और अब वह मोबाइल फोन आयात करने के बजाय निर्यात कर रहा है। इससे यह साफ होता है कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और इस प्रगति को बाधित करने के लिए देश विरोधी ताकतें विभिन्न तरीकों से अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए जरूरी हो गया है कि वे फर्जी सूचनाओं के इस नए चलन का मुकाबला करने के लिए तकनीकी समाधान ढूंढें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली ऐसी अफवाहों पर तुरंत कार्रवाई कर जिम्मेदार लोगों का पता लगाने की जरूरत है। साथ ही देशवासियों को भी सतर्क रहना होगा और किसी भी फर्जी सूचना के प्रभाव में आकर घबराने की बजाय सही तथ्यों की पुष्टि करनी होगी। भारत के विकास की राह पर देश विरोधी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाहों का मुकाबला करना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और सरकार के प्रयासों से इन ताकतों को नाकाम करने के प्रयास लगातार जारी है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।